प्रयागराज थाना नैनी एग्रीकल्चर चौकी क्षेत्र मडौका गांव में आफाक खान की बहन की शादी कार्यक्रम मडौका स्थिति क्राउन गार्डन में कार्यक्रम था, जिसके कारण घर के सभी सदस्य ही क्राउन गार्डन शादी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसी बीच रात में फायदा उठाते हुए शातिराना अंदाज में चोरी को अंजाम दिया, जिससे घर के मुखिया आफाक खान के अनुसार 9,40,000 रुपए कैश एवं 16 तोला सोने का जेवर और चांदी का जेवर अलमारी का लाकर तोड़कर उठा ले गए। चोरों ने दरवाजे को गैस द्वारा काट कर चोरी को अंजाम दिया। फिलहाल 112 नंबर एवं चौकी एग्रीकल्चर प्रभारी तथा डांग एवं फिंगर टीम जांच में जुटी आफाक खान की बाइट। प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। पीछे वाले दरवाजे में ताले थे कि नहीं? हाँ वो लगे थे। सब सब पीछे वाले में ताले थे। कोई नहीं खोला, यही क्यों खोला? जानकारी है ना अभी तो। सर नीचे से उधर गली से लॉक था दरवाजा लगे वाला। ये यार स्लाइडर नहीं, नीचे। अच्छा नीचे वो वहाँ तो नहीं, ऊपर से आएगा। ऊपर से आया वो लॉक था। अंदर लॉक जाओ वहाँ जला दिए लाइटर लिए है। लाइटर रखा बदल जाएगा। आवाज होती ना बाहर पागलपन की है कि उसको जो मेकअप मैन आया था और दिया पेमेंट अपने सामने सब खोल खोल के सब चीज़ हो जाए। हेलो अभी जी, यहाँ कोई नहीं बताते मेरी यहाँ पर क्या चालान है, किसे क्या संबंध है, क्या हो रहा है, हम भी कैसे नाम बताएंगे। थोड़ी देर में बात करें तो घटना हो गया। अरे वो गुड्डू भाई बने हैं बड़ा। अरे नहीं बात करें।
आपके यहाँ ये जो घटना हुई है कब कैसे और किस तरह हुआ है, कैसे जानकारी आपको मिली? हमारे सिस्टर की शादी थी, हम लोग क्राउन गार्डन चले गए थे, यहाँ से सारी फैमिली 9:30 बजे घर को खाली कर दी, चले गए सब लोग क्राउन गार्डन। क्राउन गार्डन से फिर हम लोग के हमारा छोटा भाई करीब 12-1 के बीच में आया है कुछ सामान लेने आगे कमरे में से लेके सामान वो चला गया, उसको कोई जानकारी नहीं हुई। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने पिलाई करा के हमारे घर की महिला जब आई तो उसके बाद ऊपर गई तो देखी तो वो घर ताला टूटा हुआ था, और तब हम लोगों को फ़ोन की तो हम लोगों ने फिर वहाँ से तुरंत भाग के आए तो यहाँ देखे सारी आलमारी, जहाँ 2 आलमारी थी सब टूटी हुई, सारा सामान उसमें से बोल। क्या आपने प्रशासन को सूचना दी? हाँ, 100 नंबर को सूचना दिए थे। लगभग आपके यहाँ जो नुकसान हुआ है क्या गया, कितने की गया, कुछ उसका अवगत कराएं? ये करीबन 9,40,000 रुपये पैसा कैश था, शादी का पीरियड था, सबको शादी के पीछे शादी कल थी, सबको पैसा देना था इसलिए पैसा घर में रखा हुआ था। उसके बाद हमारी बड़ी बहन है वो सामने रहती हैं, उनके घर अकेला है तो वो भी अपना कहना मेरे घर के अंदर वो ला के रख दी, और मेरे घर का भी गहना वो रखा था उसी आलमारी में। आपको किसी पर शक? किसी पर शक, हमारे घर में शादी थी, कुछ महिला आई थी जो है वो दुल्हन को तैयार करने के लिए पार्लर से, उसी कमरे में आई थी जिस कमरे में चोरी हुई है। आप अपना पूरा परिचय दें। पूरा परिचय आफाक खान। किस जगह पर ये हादसा हुआ है? ये मौका थाना कौन सा? थाना क्या लगता है? Hmm.